अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दुनिया में कई खूबसूरत इमारत हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत इमारत एक बादशाही मस्जिद है, जहां पर दुनिया से कई लोग यहां सैर व तफरी के लिए आते हैं। और ये मस्जिद इतनी बड़ी है कि इसमें कई हज़ार लोग नमाज अदा कर सकते हैं। और ये मस्जिद का सहन इतना कुशादा है कि यहाँ खड़े होकर इंसान के दिल को एक सुकून मिलता है। और हजरात, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मस्जिद के चार मिंबर हैं और ये काफ़ी बड़े मिंबर हैं। और ऐसा क्या आप मस्जिद में देख सकते हैं कि लोगों का यहाँ पर रश हर वक्त रहता है। और अब जो आप देख रहे हैं, ये इस मस्जिद में बनाया गया शीश महल है, जो पूरी तरह शीशे से ढका हुआ है। इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह शीशा ही शीशा है। और इस खूबसूरत मंज़र को देखकर लोग बहुत खुश होते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका बाहर की तरफ से नज़ारा, और ये इसके अंदर की जगह देखिए नाज़रीन, कितनी खूबसूरत जगह है। और अब जो आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर जो रास्ते हैं एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए, देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से सजाए गए हैं। जी, ये इसका मेहराब है जो कि शीशे से ढका हुआ है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। और नाज़रीन, जो अब आप देख रहे हैं, ये है हमारे पाकिस्तान की तारीखी सबसे बड़ी इमारत, ये जिसे मीनारे पाकिस्तान कहा जाता है, और ये पाकिस्तान की निशानी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही बहुत खूबसूरत है। और गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान में एक फैसल मस्जिद है जिसके चार मिंबर हैं, और ये भी दुनिया में खूबसूरत इमारात में गिनी जाती है। और ये इसके इर्द गिर्द का इलाके में इतनी हरियाली है कि इंसान का दिल वहाँ बहल जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इस मस्जिद का मंदिर, और ये मस्जिद इतनी खूबसूरत है, और क्यों ना हो, ये हमारे खुदा का घर होता है मस्जिद। और देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरती से ये मस्जिद बनाई गई है। और ये मस्जिद पाकिस्तान के छोटे शहर इस्लामाबाद में है, जो कि बहुत खूबसूरत शहर है, और ये दुनिया में खूबसूरत शहरों की लिस्ट में गिना जाता है। और आप देख सकते हैं कि खुद भी देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत मनाजिर है इसके इर्द गिर्द।